वेलकम बैक विद अनदर कोर्स। एंड आज का इस लेक्चर से मतलब आज से हम स्टार्ट कर रहे होंगे आप सभी का इंग्लिश कम्युनिकेशन का, क्योंकि काफी बच्चों का डिमांड था इस वाले कोर्स से भी रिलेटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डाइवर्स के। सबसे पहले हम जो जान रहे होंगे आप सभी का यार, वो सबसे पहले जानेंगे आप सभी का सिलेबस, उसके बाद आप सभी का जो है लेक्चर्स वो आ रहा होगा, प्लस में आप सभी का जो नोट्स है वो भी मैं दे दूंगा। तो नोट्स की भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं, बढ़िया नोट्स होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डाइवर्स के। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखो यार, ये जो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी मतलब ब्रांचेस में ऑलमोस्ट सेम है, तो यार ऑलमोस्ट सेम होने के कारण वर्ष आप सभी का जो है सिलेबस मतलब अच्छी तरीके से कवर हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो इस प्रकार का कुछ सिलेबस मिल रहा होगा, इसमें ऊपर लिखा हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो मोस्ट पॉसिबल में अगर हो सकेगा तो टेक्स्ट बुक भी मैं दे दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं ले, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बाद आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आप सभी के सिलेबस की, क्या आप सभी का मिड सेमेस्टर में आने वाला है बेसिकली। तो आप सभी को यहाँ पे देख सकते हो वीकली प्लान, ये वाला इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ठीक है, आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल हो गया, फिर आपका मीडिया मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन हो गया, बैरियर्स ऑफ द योगा, टास्क कंप्लीटेड बेस्ड ऑन द लिसनिंग एंड द न्यूज क्लिप एंड द डूइंग द एक्टिविटी ये इलेक्टिव लिस्टिंग, इस प्रकार का जो जितने भी मतलब ये है ना, ये सबसे पहले आप सभी को वीक 1 में पढ़ा जाएगा, वीए वीक 2 वीक 3 इस प्रकार से आप सभी का है ये। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे आप सभी के पास अगर फिलहाल के लिए बुक नहीं है तो इस लिंक से जो है ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो आप सभी का देखो मोटा मोटी अगर मैं बता दूं एक ओवरऑल आप सभी का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो बेसिकली एक ही मात्र एक चैप्टर है, आप सभी का लिटरेचर पार्ट में एक चैप्टर है मात्र, जो कि बुक के नाम पर ही आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल्स ही आप सभी का जो चैप्टर का नाम है वो, और प्लस में आप सभी का जो ग्रामर पोर्शन है ग्रामर पोर्शन में वो आ जाता है, आप सभी का कह सकते हैं कि लेटर हो गया, ठीक है, एसे हो गया, तो इस प्रकार के जितने भी आपने क्लास 10th में पढ़ा था उससे बस थोड़ा सा हायर लेवल का आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो वीक 3 में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन इस ये जो है ना आप सभी का ये है कुछ एक्टिविटीज है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिविटी का भी कुछ प्रोग्रामिंग दे रखा है इन्होंने, और आप सभी का इस प्रकार से देख सकते हो टाइप्स ऑफ लिस्टिंग हो गया, यहाँ पे लिस्टिंग एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन हो गया, इस प्रकार के ये जो है ना ये जो है ना यार ये आपके उस चैप्टर का ही पार्ट है। ठीक है, ये जितने भी आप सीखा देख सकते हो, इन्होंने अगर इन्होंने देखो डायरेक्ट इन्होंने बताया नहीं है, इन्होंने क्या पार्टीशन कर दिया हर वीक में। ठीक है, बेसिकली ये जो है ना ये एक ही चैप्टर है। ठीक है, एक ही चैप्टर, हाँ, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है जिसके कारण की वजह से इन्होंने पार्टीशन में बांट दिया है पूरे आपके सिलेबस को, तो उसके घबराने वाली बात नहीं है, सारा का जो सारा है एक ही चैप्टर है आपका लिटरेचर पार्ट में। ठीक है, बस जो है आप सभी को जो फोकस करना है यार वो आपको फोकस करना है ग्रामर पोर्शन में, जो कि आप सीखा एसे लेटर हो गया, ठीक है, एसे हो गया, लेटर हो गया, आप सीखा यहाँ पे नोटिस हो गया, इस प्रकार के जितने भी आप सीखा ग्रामर पोर्शन में है वो सारी चीजें आप सभी को याद करनी पड़ेगी यहाँ पे, मतलब कि समझना पड़ेगा। आप सीखा जो ये लिटरेचर पार्ट है ना मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको बस कह सकते हैं कि रट्टा मार के आपको वहां पे लिख के आ जाना है, बस जैसे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जो मेन चीज है यार आप सभी का वो है ग्रामर पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर सब आप देख सकते हो ये कॉम्प्रीहेंशन आ गया, आप जो है ना यहाँ से कॉम्प्रीहेंशन जो आप क्लास 10th में पढ़ा था वो आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये जो चीज है ये थोड़ा सा हायर लेवल का है। ठीक है, यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर एक अलग टॉपिक है, ये आ जाता है आप सभी का जो है ग्रामर पोर्शन में। ठीक है, ये आपको है वीक 6 में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लिसनिंग एंड द न्यूज पेपर लेक्चर्स, ये जो आप सभी का क्या है कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, ये कॉलेज में आपको सभी को करवाया जाएगा, और यहाँ पे लोकल टू कम्युनिकेशन कॉम्प्रीहेंशन ये आ जाता है, कॉम्प्रीहेंशन आप सभी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आप सभी का आता भी है एग्जामिनेशंस में, और मतलब कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो आप सभी का कह सकते हैं कि देखो आपका जो मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है ना, मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन प्लस में आप सभी का जो कह सकते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड सेमेस्टर का, वो मोटा मोटी दोनों का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कम होता है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सिविल आपका सीवी भी आ जाता है, रिज्यूमे, सेल्फ मेकिंग, इस प्रकार के जो जितने भी सारे सिलेबस पे आप सभी का जो है इंक्लूड है। ठीक है, इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो समरी इवैल्यूएशन, सॉरी समेटिव आपका इवैल्यूएशन 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, और यहाँ पे अटेंडेंस आप सभी का यहाँ पे 75% लग गया। यहाँ पे इन्होंने कुछ आपका ये कह सकते हो सिलेबस काफी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप सभी को समझा दूं। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर देखा जाए ना आप सभी का, तो ये कह सकते हैं कि आपका लिटरेचर पार्ट में मात्र एक चैप्टर है आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल वाला, और ग्रामर पोर्शन में आप सभी का सीवी आ जाता है, रिज्यूमे मेकिंग आ जाता है, मतलब सीवी और रिज्यूमे एक ही चीज है, कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। ठीक है, जो क्लास 10th में आपको पता था लेटर आ जाता है, एसे लेटर, नोटिस, इस प्रकार के जितनी भी सारी चीज है वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो आप सभी का जो मिड सेमेस्टर है वो भी आप सभी का कह सकते हैं कि एमसीक्यू टाइप होगा, और आप सभी का कह सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन भी होगा। मिड सेमेस्टर का जब एग्जामिनेशन होगा तो मैं टॉप 40 क्वेश्चन के आसपास ऑलमोस्ट जो आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो मैं दे दूंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एंड रही बात आज का इस लेसन में इतना ही, बाकी इस चैप्टर में इस पूरे जो कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, तो सोचा कि आप सबको डायरेक्टली बता दूं। ठीक है,
तो कोई टेंशन नहीं लेनी आप सबको, ये सिलेबस बहुत ही आसान है एंड इट सब्जेक्ट जो है बहुत ही आसान है। लिटरेचर पार्ट तो बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको याद करके जेट लैग लिख देना है, ठीक है। मतलब कि एमसीक्यूज आएगा, एमसीक्यूज बस आपको याद रखना है कि मतलब अच्छे तरीके से पढ़ना है एमसीक्यूज, ताकि एक ही एक एक मतलब कि और जो ऑप्शन होता है वही अगर राइट कहोगे तो राइट है, अगर रॉन्ग कहोगे तो रॉन्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से बस मेन जो चीज है ये आपको इस चीज इन सारी चीजों पर ध्यान देना है, तो वो भी मैं करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। और फिलहाल के लिए आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना और इस वीडियो को और इस जो चैनल है उसको शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जिससे कि उनके पास भी है पता चल जाए और वो भी अपना जो है इंग्लिश का भी स्टार्ट कर सके, ठीक है। इसको जो सिलेबस है नीचे मिल जाएगा आपको एंड फिलहाल के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फोड़ते रहना एंड चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो फिलहाल के चलते हैं, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।